और देखिए, विधानसभा भर्ती मामले पर गोविंद सिंह कुंजवाल ने बयान दिया है। कहा है कि अगर मैंने कोई गड़बड़ी की है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। भर्ती घोटाले में जेल जाने को भी तैयार हूं अगर मेरी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है तो। विधानसभा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए। गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रेमचंद अग्रवाल पर भी निशाना साधा। देहरादून से खबर है जहां विधानसभा भर्ती मामले में गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं और मैं जेल जाने को भी तैयार हूं, लेकिन इसमें विधानसभा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन बेरोजगार लोगों का, बेरोजगार लोगों की कमी है या जिन्होंने बर्खास्त किया उन्होंने उनकी कमी है, या फिर जो नियुक्ति करता है उनको तो बर्खास्त कर दिया, तो नियुक्तिकर्ता को क्यों छोड़ दिया गया? नियुक्तिकर्ता में चाहे स्पीकर के रूप में मैं था। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे दूसरा स्पीकर हो, हमने नियुक्ति दी है, हमने नियुक्ति का आदेश किया है, तो जो गलती है वो कानूनी रूप पर हमारे ऊपर आनी चाहिए थी। अंकिता भंडारी मामले के बाद अब अवैध होटल्स और रिजॉर्ट्स पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में हरिद्वार में जिला प्रशासन ने 60 होटल संचालकों को नोटिस भेजा। उनसे जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया, जिसमें कई होटल्स ने कागजात जमा भी करवा दिए हैं और अब उनकी जांच जारी है। जो नोटिस प्राप्त होने के पश्चात जितने भी होटल संचालक थे वो लगभग 2-3 को छोड़कर के सभी उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अभिलेख प्रस्तुत किए। उन अभिलेखों को संबंधित डिपार्टमेंट को प्रेषित कर दिया गया है, जैसे HRDO को, सचिव साहब को भेजा गया है और उसमें लिखा गया कि यदि आपका मैप जो है पास है, जो भी मैप लगाए थे कुछ में मैप नहीं लगे थे। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड के तहत धरासू यमुनोत्री हाईवे पर 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम जोरों पर चल रहा है। अभी तक सुरंग का करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा तैयार हो चुका है। महज 900 मीटर लंबी सुरंग बननी अभी बाकी है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी और इसके बनने से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। बननी थी जिसमें से अभी मात्र 900 मीटर रह गई है। जिला प्रशासन उसमें चाह रहा है कि त्वरित गति से करे, इसलिए हमको निर्देशित भी किया गया है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।